हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय वीडियो। आज मैं ये चीज़ फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत मज़े की, बहुत आसान तरीके से, बहुत झटपट बन जाती है, बहुत चीज़ी बनती है। और इसको बनाना फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने दो चिकन ब्रेस्ट ले ली, उसको मैंने हैमर कर लिया था लेकिन थोड़ा सा रह गया था, तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा और हैमर कर लिया है। हैमर करके ही हमें यूज़ करना है। फिर यहाँ पे हम इसकी मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन का ऐड कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पे लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। सोया सॉस ऐड करूँगी 1 टीस्पून, विनेगर ऐड करूँगी 1 टीस्पून, और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके मैं चिकन को मैरिनेट कर लूँगी। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ही बनाना था तो यहाँ पे मैंने 2 ही ब्रेस्ट लिए हैं। मैरिनेशन करके 1 घंटे के लिए रख देना है, या 2 घंटे भी बहुत होते हैं। फिर यहाँ पे मैं फोल्क फ्लोर की तरफ जाती हूँ। 1/2 कप मैंने मैदा लिया है, 1/2 टीस्पून उसमें लाल मिर्चों का पाउडर और पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और 1/4 कप मैं पानी ऐड कर रही हूँ, और एक अच्छा सा मैंने पेस्ट बना लेना है। ज़्यादा पतला नहीं रखूँगी और ना ज़्यादा मोटा रखूँगी, और अच्छे से विस्क करूँगी ताकि कोई लम्स उसमें ना रहें। यहाँ पे हमारी मैरिनेटेड चिकन बिल्कुल तैयार है, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी बाहर। और यहाँ पे मैंने फिले रखना है, और उसमें यहाँ पे मोज़रेला चीज़ का या चेडर चीज़ का भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ, उसका मैंने एक पीस रखा है और उसको अच्छे से मैंने रैप कर लिया है, और इसको मैंने सिर्फ क्लोज करने के लिए यहाँ पर वुडन स्टिक लगाई है। सिर्फ मैंने बंद करने के लिए यहाँ पे स्टिक लगाई है, बाद में हमने इसको निकाल लेना है। दूसरा रैप भी हमने ऐसे ही कर लेना है, अंदर चीज़ का पीस रखना है और उसको अच्छे से रोल कर लेना है, और यहाँ पे मैं वुडन स्टिक लगा लूँगी। फिर जो हमने बैटर बनाया था उसमें हमने ये चिकन का पीस अच्छे से कोट करना है, और फिर इन दी एंड हमने ब्रेड क्रम्स में इसको अच्छे से कोट कर लेना है। और इस बार हमने अच्छे से कोट करना है ताकि जो लेयर है ब्रेड क्रम्स की वो अच्छे से हमें मिले, अच्छी सी क्रिस्पी बने, तो इसलिए हमने अच्छे से कोट करना है। और कोई भी जो कॉर्नर है वो हमने खाली नहीं छोड़ने हैं, उसको भी हमने अच्छे से कोट करना है। दूसरे पीसेस को भी हमने ऐसे ही कोट कर लेना है, और मेक श्योर रखें कि बड़े आराम से जेंटल हाथों से हमने ये सारा प्रोसीजर करना है, ताकि जो हमने फिलिंग अंदर करी है चीज़ की वो बाहर ना आए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो कॉर्नर्स में मैंने उसको अच्छे से लॉक कर दिया है कॉर्नर्स को, ताकि जो चीज़ है वो पूरी बाहर ना आए, लेकिन तलते हुए थोड़ी बहुत आएगी बाहर, लेकिन हमने बिल्कुल अच्छे से पैक कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे हमने लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, और हॉट मीडियम ऑयल में हमने इसको फ्राई करना है। देखें, चीज़ थोड़ी बहुत तो बाहर आएगी, और यहाँ पे 7 to 8 मिनट्स में ये चिकन बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई थी। हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने चिकन के फिले को रोल किया है, तो उसमें ज़रा टाइम लगेगा फ्राई होने में, वरना अंदर से कच्ची रह जाएगी ऑब्वियसली। चिकन यहाँ पे हमारी ऑल रेडी है, हम बस अब यहाँ पे डिश आउट करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़े से फ्राइज़ भी बना के रख लिए थे, और जो मैंने वुडन स्टिक लगाई थी वो भी मैं यहाँ पे निकाल लूँगी, और यहाँ पे मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं चीज़ कितनी पॉप आउट हो रही है, और क्रिस्पी कितना बना है, अंदर से बिल्कुल कच्चा नहीं था, बहुत टेंडर और जूसी बना था। बहुत इजी और क्विक ये रेसिपी है, अपने आप लोग दावतों में, पार्टीज़ में बनाएं, ये स्नैक के तौर पर बहुत ज़बरदस्त जाती है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोग को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, और होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, एंड सब डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू गाइस सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।